नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा, और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं अलवर के काकर से, जहां काकर की ढाणी में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। कई सालों के बाद ढाणी में बिजली पहुंची है, इसके लिए ग्रामीणों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज का आभार जताया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 18 जुलाई को इस ढाणी में अंधेरी की खबर प्रसारित की थी। खबर देखने के बाद विद्युत विभाग हरकत में आया और ढाणी में जल्द से जल्द बिजली लगाने की बात कही। बाड़मेर के बालोतरा में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने उपखंड कार्यालय में बाढ़ समीक्षा की बैठक ली। बैठक के दौरान कटारिया ने कहा कि बालोतरा के काम से खुश हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में शिक्षित समाज किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, ये बात राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैनी समाज संस्था की ओर से आयोजित सैनी छात्रावास में आम सभा के दौरान कही। कार्यक्रम संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के सेठों ने शेखावाटी का नाम रोशन किया है। सेठों की ओर से शेखावाटी के क्षेत्र में अनेक स्कूल कॉलेज अस्पताल खोले हैं, जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी ने निर्माणाधीन मेघवाल छात्रावास परिसर में संबोधित करते हुए कहा कि मेघवाल समाज के छात्रावास निर्माण के लिए उनके एवं सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। इस अवसर पर कृपलानी, पूर्व विधायक अशोक नवलखा, पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचोली, एसडीएम चंपालाल जिनगर, डीएसपी गोपी जद मीणा का पदाधिकारियों ने स्वागत किया। झुंझुनू के लोहागेल में बीजेपी के बागी विधायक घनश्याम तिवारी ने लोक संग्रह अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। माहेश्वरी धर्मशाला में जनसभा को संबोधित करते हुए तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदेशों पर चलने की जरूरत है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए तिवारी ने कहा कि पीएम का नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाओ, और मैं इसी अभियान पर काम कर रहा हूं। हनुमानगढ़ के टिब्बी की गग्घर नदी में सैकड़ों शराब के कार्टून डालने की सूचना से दहशत फैल गई। सूचना पर टिब्बी सीआई ईश्वरानंद मौके पर पहुंचे, वहीं पुलिस के आने से पहले ही लोग शराब निकाल ले गए थे। जालौर के सांचौर पुलिस थाने के एक हेड कांस्टेबल को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप अधीक्षक अन्नराज पुरोहित के अनुसार सांचौर पुलिस थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल शताराम ने प्रकाश चंद से चालान नहीं करने के बदले में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आखिरकार सौदा 5,000 रुपए में तय हुआ। परिवादी की ओर से की गई शिकायत के सत्यापन के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालौर ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अजमेर में मदारपुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो बच्चों की खेत में बने एक गड्ढे में लाश मिली। ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और दोनों मासूम बच्चों के शवों को गड्ढे से निकाला। ग्रामीणों ने अलवर गेट थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक 4 साल का यश और 6 साल का हर्ष खेलते खेलते गड्ढे की तरफ चले गए, जहां पर पैर फिसलने से दोनों गड्ढे के पानी में डूब गए थे। जयपुर के चोमू के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 स्थित अणतपुरा मोड़ पर सवारी जीप और मारुति वैन में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में वैन सवार पति पत्नी और उनके बच्चे को चोटें आई। टक्कर के बाद सवारी जीप पलट गई और वैन में लगा गैस सिलेंडर लीक हो गया। आग लगने की आशंका के चलते मौके पर पहुंची गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने दमकल को मौके पर बुलाया। बीराड़ा के काछोला कस्बे में सरथला ग्राम के जंगल में बकरियां चराने गए चरवाहा किशोर झूलते बिजली के तारों की चपेट में आ गया। उसे बचाने की कोशिश में दो अन्य किशोर चरवाहे भी झुलस गए। तीनों किशोरों को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत अभी ठीक है। जयपुर के चोमू के थाना मोड़ धोली मंडे स्थित कोचिंग के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने हंगामा एक मकान के बाहर लगे पोस्टर को देखकर किया। पोस्टर में अनुज यादव को चोर बताया गया है। छात्रों का कहना था कि उनके अध्यापक का अपमान है, इसको लेकर छात्रों ने मकान मालिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोई ये मामला बकाया किराए से जुड़ा हुआ बता रहा है, तो कोई इसे कोचिंगों की आपस में लड़ाई बता रहा है। घटना की जानकारी लगते ही चोमू थाने की पीसीआर मौके पर पहुंचे और हल्ला कर रहे छात्रों को शांत करवाया। बहरहाल पुलिस ने दोनों कोचिंग संचालकों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। झालावाड़ के बवानी मंडी में चोटी कटने का भय जगह जगह महिलाओं में दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसे तंत्र का खेल समझ रहे हैं, तो कुछ लोग इसे भूत प्रेत डायन या चुड़ैल का कारण मान रहे हैं। अंधविश्वास में फंसे लोग अपनी चोटी को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। चोटी कटने की घटना को उस समय हवा और मिल गई जब हरिजन बस्ती में एक महिला की चोटी कटने से दहशत का माहौल बन गया। अजमेर के केकड़ी कस्बे के पास कारेड़ा गांव में एक महिला को डायन बताकर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने दो महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था की ओर से शिकायत मिलने के 6 दिन बाद पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। मामले में
मुकदमा दर्ज नहीं करने पर राज्य महिला आयोग ने भी पुलिस को फटकार लगाई थी। जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को गांव के ही इन 5 लोगों ने महिला को डायन बताकर उस पर जुल्म किए, उसे कई जगह से जलाया। बाद में महिला की मौत हो गई, इसके बाद उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। झुंझुनू के पिलानी में पीएचसी का लोकार्पण कार्यक्रम समारोह पूर्वक हुआ। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जब कांग्रेस को कोस रहे थे तभी उनकी जुबान फिसल गई और तभी उनके मुंह से पूर्व सीएम वसुंधरा निकल गया। फिर बात को संभालते हुए अशोक गहलोत का नाम लिया। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन ने तो यहां तक कह दिया कि आप पत्रकार हो तो मन में आएगा वही सवाल करोगे क्या। भरतपुर के रूपवास में ग्राम पंचायत खान सूर्जापुर में जहां एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान कागजों में ही सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है, ग्राम पंचायत गांव में स्वच्छता पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी तरफ युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने गंदगी और कीचड़ को हटाने का निर्णय लिया और गंदगी हटाई। भरतपुर के कामा में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट रहकर तैयार रहने का आह्वान किया। सम्मेलन में शिरकत करने वाले सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर फेल होने और प्रत्येक कार्य में भ्रष्टाचार करने के आरोप खुलकर लगाए। पाली के मारवाड़ जंक्शन में चलती पैसेंजर ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन में धुआं निकला गया। ड्राइवर ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन रोक दी। पाली के देसूरी में निजी विद्यालय में विश्व हिंदू परिषद की ओर से अखंड भारत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अखंड भारत दिवस कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इस दौरान समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़मेर के समदड़ी में वीर दुर्गादास सेवा समिति द्वारा दुर्गादास राठौर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में अतिथियों ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह में क्षेत्रीय युवक संघ के वरिष्ठ प्रशिक्षक अमर सिंह अकली ने वीर दुर्गादास राठौर की जीवनी पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए मारवाड़ के गौरवशाली इतिहास को बताया। विधायक हमीर सिंह भायल ने युवाओं से वीर दुर्गादास राठौर की बहादुरी और स्वामी भक्ति से प्रेरणा लेने की बात कही। जयपुर के कानोता में बस्ती उपखंड क्षेत्र के बराला ढूंढ नदी में खनन करते वक्त मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर गोपाल लाल जाट बस्ती के मनोहरपुरा गांव का निवासी था। घटना का पता सुबह जब दूसरे मजदूर खनन करने पहुंचे तब चला। मजदूरों ने पुलिस व स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले मृतक को ग्रामीणों की सहायता से मिट्टी से बाहर निकाला जा चुका था। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। शव को महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर रखवाया गया। बता दें कि पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद के आमेट थाना क्षेत्र के राजछेटी की ढाणी में माइंस पर डंपर के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस हेड कांस्टेबल गुजरी लाल में जाप्ते पहुंचे। वही जीसीबी की सहायता से काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने शव को चिकित्सालय के मोर्चे में रखवाकर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर के सादौल शहर में स्वतंत्रता दिवस की परेड की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। भयंकर गर्मी के बीच भी बच्चों का उत्साह चरम सीमा पर है और लगभग 400 से ज्यादा बच्चे गर्ल्स स्कूल में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक पीटी और परेड की तैयारी करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रभारी विपिन मोदी ने बताया कि 400 बच्चे अलग अलग स्कूल से हैं। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 17 अगस्त तक किया गया है, मगर समस्त मंत्रालय कर्मचारियों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर वे पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और साथ ही राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। खबर पंचायत में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए वो फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर कोटा के इटावा से, जब क्षेत्रीय विधायक विद्याशंकर नंदवाना ने खातोली सीएससी अस्पताल में विधायक कोष से स्वीकृत एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। नंदवाना ने कहा कि समय पर उपचार मिल जाए तो गंभीर रोगी और घायल की जान बचाई जा सकती है।
डालों की चितलवाना डावर पंचायत में करीब 100 से ज्यादा घर अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। हालांकि ये परिवार सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश थमने के बाद भी पानी निकासी की प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, पानी से उनकी फसलें चौपट हो गई। वहीं अब मच्छर पनपने से मौसमी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। झुंझुनू की खेतड़ी कस्बा अब मुंबई की माया नगरी को रास आने लगा है। पर्यटक नगरी में अब टीवी सीरियल की शूटिंग हो रही है। यहाँ की सुंदर लोकेशन फिल्म कलाकारों को रिझा रही है। कलाकार ऐश्वर्या ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि खेतड़ी की लोकेशन हमें अच्छी लगी। यहाँ के बारे में सुना था कि ये स्वामी विवेकानंद की कर्मस्थली है। खेतड़ी के राजा और स्वामी विवेकानंद के गहरे रिश्ते थे। झुंझुनू के बिसाऊ में चिकित्सक और कर्मचारियों ने पेशे को शर्मसार कर दिया, जहां मेहनतर सीएचसी में एक गरीब प्रसूता डिलीवरी के लिए जब अस्पताल आई तो उसे सुविधा नहीं होने की बात कहकर निकाल दिया गया। इसके कुछ देर बाद ही महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। सूचना के बाद नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल पर ताला जड़ दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की। वहीं चिकित्सा विभाग के डॉक्टर शर्मा ने भी जांच में लापरवाही मानी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जुआ सट्टा पर अंकुश लगाए जाने पर सटोरियों द्वारा सट्टा खेलने के लिए नए नए स्थान चुन रहे हैं, जिन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सदर थाना निम्बाहेड़ा पुलिस द्वारा गठित टीम ने गांव बाड़ी में रफीक शाह के घर के पीछे पहुंचे, जहां पर 8-10 आदमी जुआ खेल रहे थे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। सदर थाना पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर 1,300,000 रुपए की जुआ राशि जब्त की। बारा के अटरू तहसील की ग्राम पंचायत मुसई गुजरान में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ी। सरकारी स्कूल के सामने गंदगी का ढेर लगा है। भरतपुर के बैल में ग्राम पंचायत सिरस के अटल सेवा केंद्र में अज्ञात चोर कंप्यूटर सहित संबंधित सभी उपकरण चोरी कर ले जाने के मामले में ग्राम सचिव ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। इसमें कंप्यूटर व उपकरणों को चोर चोरी कर ले गए। 2015 में भी इसी केंद्र पर चोरी हो गई थी, इसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है। कोटा के इटावा में आजाद हिंद बिल्डिंग यूनियन के तत्वाधान में नगर के श्रमिकों की बैठक आयोजन त्यागी धर्मशाला पर किया गया। बैठक में श्रमिक कार्ड बनवाने और मजदूरों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अजमेर के विजयनगर में सत्संग भवन परिसर में मेवाड़ा परिवार द्वारा आयोजित मद भागवत कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। चूरू के रतनगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशाल तिरंगा यात्रा रवाना हुई। देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। समर्पण सेवा संस्थान व आदर्श विद्या मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में ये यात्रा निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में तिरंगा यात्रा के स्वागत को लेकर भाजीमो नगर अध्यक्ष महिपाल सिंह राठौर के मुख्य आतिथ्य में 4 बूथों पर बैठकें संपन्न हुई। बूथ अध्यक्ष भरत माली ने बताया कि बूथ संख्या 67, 82, 64 और 70 पर भाजीमो नगर अध्यक्ष महिपाल सिंह राठौर ने तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक मोटरसाइकिल से संकलिया चौराहे पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। पाली जिले की देसूरी समिति के नारलाई में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए जगह जगह खट्टा पानी में दवाई डालने का अभियान चलाया है। पाली जिले की देसूरी समिति के नारलाई में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए जगह जगह खट्टा पानी में दवाई डालने का अभियान चलाया है। बाड़मेर के सिवाना कस्बे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिवाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमीर सिंह भायल ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए यात्रा में शामिल हुए। वहीं इस यात्रा को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया। वे भाजपा कार्यकर्ता द्वारा राष्ट्रीयता की भावना को लेकर संदेश देते हुए वंदे मातरम एवं भारत मां के नारों के साथ ही सिवाना डाक बंगले से होते हुए मुख्य सड़क मार्गो से तिरंगा यात्रा निकाली गई। पाली जिले के देसूरी में इन दिनों क्षेत्र में रामदेवरा जातरों की भारी भीड़ है, लेकिन इन अनदेखी पर्यटकों के लिए नारलाई की भंवर गुफा आकर्षण का खास केंद्र बनी हुई है। ये लोग सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर भंवरेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और फिसलन का लुत्फ उठाते हैं। ये लंबी चौड़ी गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है, यहाँ विदेशी पर्यटक भी पहुंचते रहते हैं। बाड़मेर के कल्याणपुर सर्वनी पुरोहितान में राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। चौधरी ने कहा कि सरकार की अक्षय पात्र योजना से विद्यालय का कायाकल्प होगा, बूंद बूंद से खड़ा भरता है। इस भावना से सभी इस अक्षय पात्र में धनराशि डालकर सहयोग करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष सांसद कर्नल सोनाराम ने कहा कि विद्यालय में दी हुई दान राशि कभी व्यर्थ नहीं जाती। वहीं विद्यालय भवन में पौधरोपण किया गया।
जैसलमेर के पोखरण में हेड कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए शहर में चोरी हुई बाइक की सूचना पर दो बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। शहर के पेट्रोल पंप पर दो अनजान व्यक्ति पेट्रोल भरवा रहे थे, अचानक पुलिस ने चोरी हुई बाइक नंबरों की पुष्टि की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा आदर्श कॉलोनी स्थित श्री जैन दिवाकर भवन में चातुर्मास के लिए विराजित उप प्रवर्तक गौतम मुनि मसा की निश्रा में सामूहिक सजोड़े जाप का अनूठा कार्यक्रम हुआ। इसमें नगर सहित विभिन्न राज्यों के श्रावक श्राविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उप प्रवर्तक गौतम मुनि के निजाप के महत्व का प्रतिपादन करते हुए बताया कि इस जाप में अरिहंत सिद्धि प्रभु की स्तुति की जाती है। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के जाटी भांडू गांव में शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौर द्वारा रामदर रसोड़े का शुभारंभ किया गया। चबावा के पैदल जातुओं के लिए चाय, नाश्ता, भोजन व दवाई आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। श्रीगंगानगर के साधु शहर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। भाजयुमो द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत भाजयुमो के जिलाध्यक्ष गुरवीर बराड़ ने की और तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इससे पहले भाजयुमो कार्यकर्ताओं और एसडीएम ने भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और नमन किया। इसके बाद यात्रा बाजार के मुख्य मार्ग से होती हुई लालगढ़ की ओर रवाना हो गई। श्रीगंगानगर के साधु शहर में जन्माष्टमी के चलते शहर भर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निजी स्कूल में राधा कृष्ण बनो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण राधा का रूप धरकर सभी का मन मोह लिया। विजेता बच्चों को स्कूल की ओर से सम्मानित भी किया गया। भरतपुर के भुसावल में गांव रणधीरगढ़ में जन सहयोग से 3 दिवसीय भजन जिकड़ी दंगल कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें दूर दराज से पधारे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। एमपी यूपी से आए कलाकारों ने प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। अजमेर के पीसांगन में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण के कार्य की शुरुआत हुई। खड़ी में मेड़बंदी पर वनस्पतिक घास धामन और आंवल छाल बीजों का रोपण किया गया। आंवल छाल से भूमि का कटाव कम होगा, धामन मवेशियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। उदयपुर के कोटड़ी महाविद्यालय के आगामी चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक हुई। बैठक में संगठन को व्यापक बनाकर आगामी चुनावी तैयारी अभी से शुरू करने पर जोर दिया गया। साथ ही छात्रों के हित व महाविद्यालय में अध्यापकों की व्यवस्था की कमी को पूरा करने, प्रयास व अन्य समस्याओं के समाधान की बात की गई। सीकर के खाटू श्यामजी थाना परिसर में थाना प्रभारी बाबूलाल गुर्जर की अध्यक्षता में कस्बे की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए धर्मशाला संचालकों एवं सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। इस दौरान धर्मशाला संचालकों को पाबंद करते हुए थाना अधिकारी ने कहा कि धर्मशाला गेट के बाहर कोई भी वाहन खड़ा नहीं करे, जिससे आने वाले शाम श्रद्धालुओं के वाहनों को गुजरने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। खबर पंचायत में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल लौटे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर भरतपुर के रूपवा से, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कल होने वाले स्वतंत्रता समारोह की तैयारियां इस समय जोरों शोरों से चल रही है। इसी के तहत आजादी दिवस के मौके पर होने वाली पीटी के विद्यालय की बालिकाएं पूरी तल्लीनता के साथ अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। चूरू के सरदार शहर में अजमेर सांसद सामलाल जाट को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पंचायत समिति प्रधान ने कहा कि पूर्व मंत्री किसानों के हितैषी थे। डेयरी चेयरमैन ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए तैयार रहते थे। भरतपुर के डीग में लक्ष्मण मंदिर से भाजपा कार्यकर्ता द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाइकों पर सवार होकर भारत माता के जयकारों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से निकले। साथ ही कार्यकर्ता नेहरू पार्क व शहीद स्मारक पहुंचकर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन किया। 12 की अंता में ईदगाह कमेटी द्वारा ईदगाह परिसर में पौधरोपण किया गया। ईदगाह के सदर जमील अहमद, वरिष्ठ नायब सदर मोहम्मद इकबाल, मल्लू भाई मुस्तफा खान, सचिव हाजी अशवाक गुड्डू, उपाध्यक्ष अब्दुल सलाम बुंदू अंसारी सहित कमेटी सदस्य मौजूद थे। अजमेर के नसीराबाद में आवारा सांडों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों का घरों से निकलना बेहद दुश्वार हो गया है। कभी भी इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है।
जिससे कई बार राहगीर घायल हो चुके हैं। ऐसा ही मामला रविवार को देखने को मिला। रविवार को भी दो सांडों की भीषण लड़ाई में तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। भरतपुर के भुसावर में ग्राम पंचायत सेंधली राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंधली में समस्त स्टाफ और साथियों के सहयोग से आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय गणवेश दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य निरंजन लाल पांडे ने की, जिन्होंने 60 बच्चों के लिए ड्रेस वितरित की। छलावाड़ के पिड़ावा कस्बे से हाजियों की जुलूस निकालकर विदा किया गया। इस अवसर पर जगह जगह हाजियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। पूर्व प्रधान रामलाल चौहान ने हाजियों को माला पहनाकर स्वागत किया। छलावाड़ के पिड़ावा में चलते हुए इंडिका कार में आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार तीन चार व्यक्तियों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। कार में सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के गरोड़ थाना क्षेत्र के पावटी गांव के निवासी हैं। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना पिड़ावा क्षेत्र के हरनामदा पीठा गांव की है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में पूर्व संसदीय सचिव राजेंद्र सिंह विदुड़ी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी से जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पगर कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति पारेता, बाबूखा धर्मेंद्र दिल्लानी, अंबालाल भूजर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के पुलिया कला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा धानेश्वर स्थित जाट धर्मशाला में अभ्यास वर्ग मनाया गया। इस दौरान पुलिया कला तहसील समेत क्षेत्रीय प्रदेश कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदेश प्रतिनिधि लक्ष्मण वैष्णव ने बताया कि शिवसेना प्रमुख मोनू गर्ग, पूर्व प्रेसिडेंट समाजसेवी ने अभ्यास वर्ग के दौरान उद्बोधन दिया। अजमेर के भिनाई में राजकीय विद्यालय देवलिया कला के प्राज्ञ जैन युवा मंडल विजयनगर द्वारा विद्यार्थियों को जूते की जोड़ी व फल वितरित किए गए। उदयपुर के फरासिया में झाड़ोल तहसील की 310 आंगनबाड़ियों में से 200 से अधिक जर्जर अवस्था में हैं। शिकायतों और दर्जनों प्रस्तावों के बावजूद इन्हें बजट नहीं मिल रहा है। इन जर्जर भवनों में टपक रहे पानी से बच्चों को संक्रमण का खतरा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ दो दिन पहले आमीवाड़ा रात्रि चौपाल में एडीएम देवासी ने सीडीपीओ को लताड़ लगाई थी। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में डीजल पावर हाउस के पास तेज गति से आ रही जीप मकान से टकराकर बाथरूम में घुस गई। लापरवाही पूर्वक काफी तेज रफ्तार से जीप चलाते हुए मकान की चार दीवारी व बाथरूम के टक्कर मार दी, जिससे उससे आर्थिक नुकसान हुआ। उदयपुर के फलासिया में पंचायत समिति की आदर्श पीएससी मादड़ी में शनिवार दोपहर से बिजली गुल है। बिजली की आंख में चोली की शिकायत पर पहुंचे निगम के लाइनमैन ने ठीक करने के बजाय मुख्य खंभे से बिजली ही बंद कर दी। इसके बाद लाइनमैन और तकनीकी अभियंता ने इस ओर रुक तक नहीं किया। केंद्र के कंपाउंडर हरिशंकर आमलिया ने बताया कि पीएससी में लगा इवेंटर भी लो हो गया, जिससे मरीजों को बीती दो रात के अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी से इलाज करना पड़ रहा है। पीने नहाने और शौचालय का पानी खत्म हो चुका है, जिससे प्रसूताओं को ज्यादा परेशानी हो रही है। रुकापुर की चौथरी में निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण किए गए। गैजीगांव में राज्य मंत्री सुशील कटारा ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत 20 निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। इस दौरान गुजरेश सवर मंडल के कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए आह्वान किया। भीलवाड़ा के आसन के कर्मा का बाड़िया गांव में चल रहे ग्रामीण क्रिकेट एवं वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन करने पहुंचे पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा को सभी ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मौके पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष छोगालाल गुजर, पूर्व उप जिला प्रमुख गजबल जाट सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। भीलवाड़ा के आसन के झबरकिया में युवा मंडल ने स्वच्छता पखवाड़े के तेरहवें दिन का गांव की मुख्य सड़कों की नालियों की सफाई की। सार्वजनिक स्थानों सफाई की तथा ग्राम में शौचालय निर्माण करवाने संबंधित जागरूकता अभियान चलाया गया। उदयपुर कोटड़ा में देवला आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में निःशुल्क एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। शिविर में स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, अस्थि रोग, नाक कान गला, चर्म रोग, दंत रोग आदि रोगों का समाधान किया गया। साथ ही ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ईसीजी की जांच भी की गई। भीलवाड़ा के माडलगढ़ काछोला थाना क्षेत्र के सरथला गांव में 11,000 केवी लाइन पोल के तार टूटने से तीन बालक बुरी तरह से झुलस गए। तीनों बालकों को ग्रामीणों ने काछोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार हेतु लाया गया, जहां पर बालकों की तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया। जयपुर के सामर लेक में बस स्टैंड स्थित गट्टानी मार्केट में कुछ लोगों के द्वारा दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। इस पर व्यापारियों ने दुकानें बंद कर घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और देखा तो दुकान के शीशे टूटे हुए थे। वहीं व्यापारी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इस पुलिस ने लोगों को समझाइश कर मामला शांत करवाया।
कोटा के रामगंज मंडी में सुगीत पुलिस ने गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। कार्यवाही एनएच 12 पर डिंगसी गांव के पास की है। ट्रक में 60 गौवंश बरामद हुए, इसमें 13 गाय मृत मिली, लेकिन इस दौरान ट्रक ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। पुलिस ने गायों को कीमत गौशाला में भिजवाया और मृत गायों का पोस्टमार्टम करवाया। भीलवाड़ा के आसिंद रामदेवरा के लिए जा रहे पैदल यात्री के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क चाय, नाश्ता व खाने की व्यवस्था की गई। रामदेव सेवा समिति के जगदीश मेघवंशी ने बताया कि समिति में ग्रामवासियों की ओर से ही रामस व गांगला सरोड पर खाडा आसन में रामलसोड़े स्थल पर समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर भंडारे का शुभारंभ किया। भीलवाड़ा के आसंद में इराज गांव में परंपरा के अनुसार हर वर्ष की भांति इस बार भी ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया। एक महीने से ठाकुर जी और महादेव जी के अखंड ज्योत जलाई गई, इसका समापन कर ठाकुर जी के ध्वजा दंड व नई पोशाक धारण करवाकर ठाकुर जी के भोग लगाकर आसपास के गांवों से साधु संतों को आमंत्रित करके व गांव के बच्चों को भोजन करवाया गया। इसके बाद सभी ग्रामीणों को प्रसाद वितरित कर व परंपरा के अनुसार निभाया व अखंड ज्योत का समापन किया गया। प्रतापगढ़ के दरियावद में आजादी के जश्न स्वतंत्रता दिवस समारोह की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इसी के साथ समारोह के पश्चात विद्यालयों के स्कूली छात्र छात्राओं में वितरित होने वाली मिठाई भी बनकर तैयार हो गई है। मुख्यालय की 38 ग्राम पंचायतों के समस्त विद्यालयों में प्रशासन द्वारा बच्चों में स्वतंत्रता दिवस पर मिठाई वितरित की परंपरा है। भरतपुर के डीग में पुराना बस स्टैंड स्थित शहीद स्थल पर प्रशासन द्वारा शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति की गई। खबर पंचायत में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।